नई रेसिपी और किचन टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले जानकारी के लिए घंटी को दबाएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। आलू बुखारा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लम्स, तो प्लम्स जो है वो अभी सीजन में है और ये एक सीजनल फ्रूट है, थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल होता है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो इससे हम बहुत टेस्टी टेस्टी रेसिपीज बना सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्मियों में ठंडक देने वाला प्लम कूलर की रेसिपी। तो चलिए आज के समर कूलर ड्रिंक की रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 250 ग्राम आलू बुखारा और इसे मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है। साथ ही मैंने लिया है 1/4 कप चीनी और 3 पीस मैंने यहाँ फ्रोजन स्ट्रॉबेरी के लिए है। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी क्रश का भी यूज कर सकते हैं। और मैंने लिया है 1 चुटकी काला नमक और कुछ लीव्स पुदीने की। साथ ही हम लेंगे 3 से 4 कप पानी। सबसे पहले हम सारे आलू बुखारा को कुकर में ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे चीनी और 3 कप मैंने यहाँ पानी का यूज किया है। और इसे हम कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक उबाल लेंगे। 2 सीटी आने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसकी स्टीम को अपने आप से ही निकलने दिया। और उसके बाद मैं आपको खोल के खा रही हूँ कि इस तरह से दिखते हैं ये आलू बुखारे। हम लेंगे एक छलनी और इस पानी को हम इस छलनी में ले लेंगे और जो आलू बुखारा का गूदा है वो इस तरह से छलनी के ऊपर आ जाएगा। इसे हम किसी चम्मच से अच्छे से मैश कर देंगे और इस तरह से इसमें से अपनी सारी जो आलू बुखारे हैं उनकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। तो सारी गुठलियों को हमने अलग कर लिया है और गूदा इस तरह से रह गया है और ये हमारे पास नीचे पानी बचा हुआ है। अब हम लेंगे एक मिक्सचर जार और इसमें हम गूदे को और पानी को मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें पुदीने की लीव्स को भी डाल देंगे अच्छे से वॉश करके। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और इसे हम ग्राइंड करेंगे और हल्का सा ग्राइंड करने के बाद आप इसे थोड़ा टेस्ट करके देख लें। अगर आपको लगे कि चीनी की क्वांटिटी कम है तो आप इसमें और ऐड कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आलू बुखारे मीठे होते हैं और कई बार हल्के खटास वाले होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चीनी और ऐड की थी, यानी कि 1/4 कप और 2 टेबलस्पून चीनी मैंने टोटल यहाँ पे ऐड की। और ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा प्लम कूलर इस तरह से बन गया है। इस तरह से मैंने लिए हैं इसे सर्व करने के लिए ग्लासेस और इसमें मैंने डाली है क्रश की हुई आइस, आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। ये ड्रिंक जो है वो गर्मियों में बहुत ही ठंडक देता है और साथ ही ये बॉडी में ब्लड बनाने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आप इसे व्रत वगैरह में भी पी सकते हैं, लाइक अभी सावन चल रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। कूलर को सर्व करेंगे थोड़े से कटे हुए आलू बुखारा के साथ और पुदीने की पत्ती के साथ। ये ड्रिंक जो है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो आप इस समर कूलर ड्रिंक की रेसिपी को जरूर बनाएं और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।